हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ की मैरीगोल्ड का चैप्टर गलिवर्स ट्रैवल पर बेस्ड वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। माय नेम इज़ गलिवर एंड आई एम अ सेलर हु लव्स टू सेल अक्रॉस द सीज टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। बच्चों ये स्टोरी गलिवर की है जो कि एक एडवेंचरस ट्रैवलर था और उसे यात्रा करना बहुत पसंद था। तो हम शुरू करते हैं। इसमें गलिवर ने बताया है कि उसे समुद्री यात्रा करना बहुत पसंद है और नई नई जगहों को ढूंढना भी बहुत पसंद है। ऑन वन सच जर्नी आई केम टू द लैंड ऑफ जायंट्स ऑन द 16th of June 1730। उसने बताया कि एक बार एक यात्रा में वह 16 जून 1730 में एक विशाल काय लोगों की ज़मीन पर पहुंच गया था। इट वॉज द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ ऑल टाइम्स। और ये बहुत ही यादगार यात्रा थी क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। गलिवर के सामने वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, जिन्हें उसे देखने के लिए पूरी गर्दन को ऊपर करके देखना पड़ता था। इफ़ यू विश टू नो मोर अबाउट माई जर्नी देन प्लीज़ रीड द चैप्टर गलिवर्स ट्रेवल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड इन्जॉय माई एडवेंचरस। अगर बच्चों आपको पूरी कहानी पढ़नी है, पूरी यात्रा के बारे में जानना है, तो इसके लिए आपको गलिवर्स ट्रेवल्स चैप्टर को पढ़ना होगा अपनी बुक में से। ओके बच्चों आगे चलते हैं। ए गलिवर सेल्स हिज शिप फॉर द जर्नी। कैन यू गेस सम मोर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट्स बाई रीअरेंजिंग द जम्बल्ड लेटर एंड राइटिंग देम डाउन। बच्चों गलिवर तो अपनी यात्रा के लिए, समुद्र में यात्रा करने के लिए शिप का इस्तेमाल करता था। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि जम्बल्ड फॉर्म में हैं, उन्हें आपको रीअरेंज करके मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट को गैस करना है। ए है बोट, बोट मीन्स नाव। बी सबमरीन, सबमरीन मीन्स पनडुब्बी। सी है होवरक्राफ्ट और डी है स्टीमर। ये सभी मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हैं। चलिए अगर आपको और भी पता है तो आप उन्हें भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। बी गलिवर सेल्स हिज शिप टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। इफ़ यू गेट अ चांस टू एक्सप्लोर अ न्यू प्लेस विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड यू लाइक टू चूज, ड्रॉ इट्स पिक्चर टू। बच्चों गलिवर को कहीं पर जाने के लिए वो शिप का यूज़ करता था। अगर आपको नई नई जगह को एक्सप्लोर करने का मौका मिले तो आप किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहेंगे? जैसे आप बस, एरोप्लेन, इनमें से, या फिर कोई सी भी जो भी ट्रांसपोर्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनमें से किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहेंगे उसका आपको यहाँ पर चित्र भी बनाना है और नाम भी लिखना है। चलिए सी इन द स्टोरी गलिवर्स ट्रेवल्स रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। गलिवर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द लैंड ऑफ जाइंट्स। अ जाइंट मीन्स एनीथिंग विच इज ह्यूज एंड एनॉर्मस इन साइज। नेम द फॉलोइंग जाइंट्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। बच्चों गलिवर ट्रेवल जो है स्टोरी वो लिखी है जोनाथन स्विफ्ट ने, और गलिवर ने अपने आप को पाया था एक बार एक यात्रा में बहुत ही विशालकाय लोगों की ज़मीन पर। बच्चों जाइंट मीन्स होता है एक बहुत ही विशाल चीज़ या फिर विशाल व्यक्ति या जानवर, कुछ भी, कोई बहुत ही विशाल चीज़ जिसका साइज़ बहुत ही बड़ा हो। अब यहाँ पे आपको कुछ जाइंट चीज़ों के ही नाम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है अ जाइंट बर्ड, एक विशालकाय पक्षी ऑस्ट्रिच। टू अ जाइंट बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा है जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इसी तरह ऑस्ट्रिच भी एक बहुत ही बड़ी बर्ड है। थ्री अ जाइंट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। फोर्थ अ जाइंट लैंड एनिमल, एक विशालकाय पशु जो कि ज़मीन पर चलता है, अफ्रीकन एलिफेंट। फाइव अ जाइंट क्रिएचर हु इज़ एक्सटिंक्ट नाउ, एक विशालकाय क्रिएचर का नाम बताना है जो कि अब लुप्त हो चुकी है जिसकी प्रजाति।
तो वो है डायनासोर। अब बच्चों यहाँ पे अभिभावकों के लिए सुझाव हैं कि वो किन किन साधनों का प्रयोग करते थे जब वह अपने बचपन में घूमने जाते थे। तो फिर आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि वो किन किन साधनों का इस्तेमाल करते थे जब वह घूमने जाया करते थे, और आज के यातायात के साधन और उस समय के यातायात के साधन में क्या फ़र्क है, यह आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है। ओके बच्चों, थैंक यू।